अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है और मैं बीकन एक्सेलेंस एकेडमी में इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है बीएस इकोनॉमिक्स और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सीखेंगे थ्रू वन एग्जांपल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये होता है कि टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक इकोनॉमी जो बनाती है यूजिंग ऑल ऑफ देयर रिसोर्सेज। रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि खाली एक इकोनॉमी खाली दो प्रोडक्ट्स बनाए। रियलिटी में हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स इकोनॉमिस्ट ने इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन किया यूजिंग ओनली टू प्रोडक्ट्स। सो लेट्स से दे आर टू कंट्रीज, यूएस एंड चाइना। यूएस इज मेकिंग प्लेन्स एंड शूज एंड चाइना इज ऑल्सो मेकिंग प्लेन एंड शूज। तो इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दैट मीन्स कि अगर आप एक चीज़ बना रहे हो तो आपको दूसरी चीज़ को गिव ऑफ करना पड़ेगा। इस साइड पे हम प्लेन्स कर देते हैं और इस साइड पे हम शूज कर देते हैं। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स कैन ईदर मेक 500 यूनिट्स ऑफ प्लेन्स या और 1000 tons of shoes. Now China, on the other hand, can either make 100 units of plane या 800 units of shoes. So इन्होंने choose करना है इन दोनों में से कि या तो ये US 500 units of plane बना सकता है या 1000 tons of shoes बना सकता है, या China 100 units of planes बना सकता है या 800 units of shoes बना सकता है। ये जैसे कि आपको ग्राफ पे नजर आ रहा है, 500 यूनिट्स ऑफ प्लेन बनाएगा तो जीरो शूज और 1000 यूनिट्स 1000 टन्स ऑफ शूज बनाएगा तो जीरो प्लेन्स। अब हमने देखना है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है। एब्सोल्यूट एडवांटेज ये होता है कि आप कोई भी चीज एट ए ग्रेटर लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हो कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर। यहाँ पे यूएस को प्लेन बनाने में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज है और शूज बनाने में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि ये चाइना से ज़्यादा प्लेन्स भी बना सकता है और चाइना से ज़्यादा शूज भी बना सकता है। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज है यूएस को इस एग्जाम्पल के अंदर। अब हमने देखना है कि इन कंट्रीज के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज किसको है। कंपैरेटिव एडवांटेज होता है कि कोई भी कंट्री जिसको सबसे ज्यादा लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ी है कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर वो चीज बनाए। ठीक है, अब हमने यहां देखना है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों कंट्रीज में से कंपैरेटिव एडवांटेज किसको है, तो पहले हमें इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि वन यूनिट ऑफ प्लेन बनाने में कितने शूज उसको गिव ऑफ करने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे हम 1000 को 500 प्लेन्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम वन यूनिट ऑफ प्लेन बनाने के लिए हमें 2 टन्स ऑफ शूज छोड़ने पड़ेंगे। ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और इसी तरह चाइना की भी कैलकुलेट कर लेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 800 टन्स ऑफ शूज को 100 यूनिट्स ऑफ प्लेन्स पे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वन यूनिट ऑफ प्लेन बनाने के लिए चाइना को 8 टन्स ऑफ शूज गिव ऑफ करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। सो दैट मीन्स कि यूएस को ये चीज सस्ती पड़ रही है कि वो एयरप्लेन बनाए कंपेयर टू इट्स चाइना, और चाइना को ये बेहतर है कि वो शूज बनाए कंपेयर टू, क्योंकि वो उसको सस्ते पड़ रहे हैं कंपेयर टू यूएस। सो यूएस को प्लेन्स बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है और चाइना को शूज बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो ये दोनों कंट्रीज डिसाइड करेंगी कि यूएस खाली प्लेन्स बनाए और चाइना खाली शूज बनाए, और फिर ये लोग ट्रेड ऑफ्स करें। ट्रेड ऑफ्स का मतलब होता है कि एक आप वो चीज़ बनाओ जिसमें आप स्पेशलाइज कर रहे हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, और बाकी दूसरी चीज़ आप दूसरी कंट्री से ट्रेड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना और यूएस डिसाइड करते हैं कि हम वन यूनिट ऑफ प्लेन के बदले 4 टन्स ऑफ शूज ट्रेड करेंगे तो इससे दोनों कंट्रीज बेटर ऑफ हो सकती हैं। किस तरह? क्योंकि पहले
यूएस को वन यूनिट ऑफ प्लेन बनाने के लिए टू टन्स ऑफ शूज छोड़ने पड़ते थे, गिव ऑफ करने पड़ते थे. आप यूएस को वन यूनिट ऑफ प्लेन वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको फोर टन्स ऑफ शूज गेन कर रहा है चाइना से. और चाइना पहले चाइना को वन यूनिट ऑफ प्लेन बनाने के लिए एट टन्स छोड़ने पड़ते थे. अब ये वन यूनिट ऑफ प्लेन यूएस से इम्पोर्ट कर रहा है और अब इसको खाली फोर टन्स ऑफ शूज छोड़ने पड़ रहे हैं. पहले एट छोड़ने पड़ते थे तो अब खाली फोर छोड़ने पड़ रहे हैं, तो इसलिए चाइना भी बेटर ऑफ है. So I teach at Beacon Excellence Academy at Kalma Chowk. So if you're interested in learning these types of lectures, then do join Beacon Excellence Academy.